सुरों के बेताज बादशाह मुकेश की आज 40वीं पुण्यतिथि है। आइए एक नजर डालते हैं मुकेश के फिल्मी सफर पर। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। मुकेश ने जिंदगी के मायनों को बड़ी ही सुरीली आवाज में पिरोकर अपने गानों के जरिए लोगों के सामने पेश किया। दम दम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, दम दम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। पहले शो में राज कपूर की आवाज बन शोहरत की नई ऊंचाइयां छुई और वक्त के साथ अपनी गायकी में नए नए प्रयोग और बदलाव लाते रहे मुकेश। बड़ी सुंदर दिखती हो। मुकेश की आवाज आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमसे टकराती है। दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू। पल भर के लिए यादों की पोटली टटोलती है और गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है। मुकेश की आवाज आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमसे टकराती है। साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और इसी फिल्म के गाने सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी के लिए मुकेश को भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शुरुआत में मुकेश राज कपूर की आवाज बने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस छवि से बाहर निकलकर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का एक नया इतिहास रचा। प्यार क्या करे, बोलो तो जिए, बोलो तो मर। 40 साल के अपने लंबे करियर में मुकेश ने उस समय के लगभग सभी अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी। 22 जुलाई 1923 को लुधियाना की जोरावर चंद माथुर और चांद रानी के घर मुकेश का जन्म हुआ था। भले ही मुकेश एक गायक के तौर पर मशहूर हुए हों, पर उनका सपना फिल्मों में एक अभिनेता बनना था। जब सपनों के शहर मुंबई का रुख किया तो मुकेश को बतौर एक्टर फिल्म निर्दोष में ब्रेक मिला। इंडस्ट्री में शुरुआती दौर इनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा। 50 के दशक में मुकेश को एक नई पहचान मिल गई। उन्हें शोमैन राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। कई इंटरव्यू में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा कि मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश ही है। यहाँ तक कि मुकेश ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर के फिल्म के लिए ही गाया था। लेकिन राज कपूर के फिल्म के रिलीज होने के 2 साल पहले यानी 1976 में दिल का दौरा पड़ने से मुकेश का निधन हो गया। मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बेशक भले ही वक्त की गर्दिश में यादों के सितारे खो जाएं, लेकिन यादें खत्म नहीं होती, दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठी रहती हैं। भले ही मुकेश हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें उनके गानों के जरिए हमेशा ही याद रहेंगी। देखते रहिए डीबी लाइव।